अम्मी। हाँ बेटा। घर में कोई दिख नहीं रहा है, सब कहाँ है? सामिया तो दफ्तर गई हुई है और तबस्सुम की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, सामने वाले डॉक्टर को दिखाने गई है। उसे सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि आप ही की तबीयत खराब है। क्यों भाई, क्या तबस्सुम बीमार नहीं हो सकती? उसकी तबीयत खराब नहीं हो सकती। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप ही को हमेशा एक्टिव देखा है ना, तैयार रहती है, अपने कामों में मसरूफ रहती है। हाँ ये तो है, तुम दोनों एक तरफ और मेरी तबस्सुम एक तरफ। अम्मी आपको बताना भूल गई, आज शाम में दादी और तैयब आई। हाँ भाई आए, 100 दफा आए, लेकिन सच पूछो तो अरसलान के घर वालों से दिल उठ गया है। तुम्हारे सुसर से जरा सी उम्मीद थी लेकिन वो भी गायब हो गए। दादी की तो उस घर में कोई सुनता ही नहीं है, बल्कि ये कह लो कि तुम्हारी सास के सामने किसी और की चलती ही कहाँ है। मम्मी आप ना उम्मीद ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे दिलों में चोट थोड़ी है और ना ही हम बेईमान हैं। आप देखिएगा सब कुछ ठीक होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा, लेकिन अब सामिया को देखो ना, उसने ससुराल जाने से इनकार कर दिया, अब तलाक लेगी क्या वो? देखिए हमने अपनी मर्जी बहुत चला, अब उसे वही करने दे जो वो करना चाहती है। बस भाई, अल्लाह आबाद रखे तुम सबको अपने घरों में। आमीन। वाह वाह क्या बात है, ये मैं क्या देख रही हूँ? बहू रानी ने फाइनली किचन संभाल लिया। अपने शौहर की खिदमत करना मेरा फर्ज है। आपको ज्यादा आग लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? मतलब शादी के 2 महीने के बाद आपको शौहर की खिदमत का ख्याल आ गया? बीबी ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम प्लानिंग क्या कर रही हो। जो भी शैतानी प्लानिंग है ना, उसमें मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। अच्छा मम्मी जी, इस घर में अगर कोई भी किसी भी किस्म की शैतानी प्लानिंग या साजिशें करता है ना, तो वो आप हैं, मैं नहीं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तुम पता नहीं कौन कौन सी पट्टियां पढ़ाती हो अरसलान को। और वो कल क्या धमकी देके गई हो तुम मुझे कि अरसलान जो है वो सामिया को छोड़ देगा? क्या कौन सा सबूत है तुम्हारे पास, जरा मुझे भी तो पता चले। क्यों मम्मी जी, सारी रात आपको नींद नहीं आई होगी ना कि पता नहीं फरिया आप क्या धमाका कर दे। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, सारी जिंदगी इसी घर में जलती कुर्ती सटती रहेंगी आप, लेकिन मैं तो अरसलान को उड़ाकर US ले जाऊं। देखा तुमने कितनी बदतमीज है ये, पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मैं इसको अरसलान की जिंदगी में लेकर आई। अरे इससे अच्छी तो सामिया थी, इतनी बातें भी सुनाती थी लेकिन वो बेचारी उफ नहीं करती थी, बल्कि उल्टा आगे मुझसे माफी मांगती थी। तो ले अपनी सामिया को, ज्यादा बोले नहीं।